वेलकम फ्रेंड, आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो ये मेरा ट्रांसफॉर्मर रेडी हो चुका है, अभी हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे। ये जो 5 लीड है, ये सब 5 लीड जाएगा एम्पियर कंट्रोल करने के लिए, जो रोटरी में कनेक्शन होगा सीरियल वाइज। और इस साइड में 2 लीड है, इसमें से एक ये लीड है 12 वोल्ट का और ये है 24 वोल्ट में। ये दोनों चला जाएगा आपका स्विच में। और नीचे ये वाला जो है, ये है एसी 220 वोल्ट के लिए, ठीक है। और इसमें हमने पेंट कर दिए, नट बोल्ट लगा दिए और बार्निश इसमें डाल दिए। तो दोस्तों, अभी इसका कनेक्शन होगा। इसके लिए हम लोगों को इसका जो एनामेल है, इसको निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो है ये न्यू सी सोल बोल के, और ई सोल बोल के भी आता है मार्केट में। इसका प्राइस 200-250 रुपये जैसा है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके ऊपर अगर आप इस वायर के ऊपर इसको लगा देंगे तो ये इसका जो एनामेल है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब उसी एरिया तक ही रिमूव होगा जिस एरिया तक आप इसको लगाएंगे, ठीक है। और इसको लगाने से पहले एक बार हैंड ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, ये बहुत कड़क होता है। अगर हाथ में लग जाएगा तो आपको रैशेस आ जाता है इसमें, ठीक है। हैंड ग्लव्स यूज़ करके ही लगाना चाहिए। और इसको डायरेक्ट हाथ से मत पकड़िएगा, नहीं तो वो घाव जैसा हो जाता है हाथ में। थोड़ा सा सेफ्टी करके इसको यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, जैसे हल्का हल्का करके डीप करके दिया हमने। ये 2-3 मिनट के अंदर ही इसका जो एनामेल है वो रिमूव हो जाता है। 2-3 मिनट ही लगा के रखना पड़ता है, उसके बाद ही इसका जो एनामेल है वो निकल के आ जाता है सामने से। और इसको क्लीन करने के लिए कॉटन का कपड़ा से ही इसको क्लीन कीजिएगा। देखिए कैसे निकल के आ गया है, ठीक है। देखिए जैसे लग रहा है ऊपर से छिल हल्का हल्का सा, उसका जो एनामेल है वो रिमूव हो रहा है। नेल पॉलिश जैसे रिमूव करते हैं ना, वैसे ही है इसका, लेकिन थोड़ा सा कड़क है। अभी इसको ये कॉटन वाला कपड़ा से इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। हल्के हाथों से इसको क्लीन कर देंगे तो ये सारा इसका एनामेल उसी एरिया तक ही रिमूव हो जाएगा जिस एरिया तक आपने इसको एसिड में डुबो के रखे थे, उसी एरिया तक ही करना है। थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा कि इधर उधर लग ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम लोग इसमें रोटरी वाला कनेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो ये रोटरी वाला जो कनेक्शन है, ये सब एम्पियर कंट्रोल करने के लिए होगा। तो हम लोगों के यहाँ पर है 5 लीड, 5 लीटरों को सीरियली एक के बाद एक जोड़ना है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर जहाँ से शुरू किए थे हम लोग, जैसे ये वाला जो लीड है, ये हम लोगों का शुरू किए थे इसमें, मतलब सिंगल वायर से इसको शुरू किए थे। और ये वाला कनेक्शन जाएगा आखिर में, ठीक है। ये वाला जो कनेक्शन है वो आखिर में जाएगा रोटरी के, मतलब 1-2-3 करके अगर 5 नंबर लीड है ये, तो रोटरी के 5 नंबर पिन पे जाएगा। और पहले 1 नंबर लीड पे जो है, 1 नंबर जो है रोटरी के, वो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, जहाँ से रोटरी का 1 नंबर पॉइंट शुरू होता है। और उसके बाद एक सीरियली ये जाएगा एक के बाद एक। ये है आखिर वाला, ठीक है। ये शुरू वाला, मतलब हम लोग जो ट्रांसफार्मर शुरू किए थे, ये शुरू वाला लीड है। और ये वाला लीड जो है आखिर में जाएगा रोटरी के। और ये जाएगा, हाँ, 5 नंबर पिन पे जाएगा ये। और ये जाएगा 1 नंबर पिन पे, रोटरी का 1 नंबर पिन पे ये वाला जाएगा। वो दो चला जाएगा आपका 12-24 वोल्ट सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जाएगा एक, इस पॉइंट पे लगेगा पहले वाला कनेक्शन, रोटरी का 1 नंबर पोर्ट पे जाएगा पहले। तो दोस्तों, ये मेरा फिटिंग हो चुका है, ठीक है। देखिए, बेस प्लेट में मैंने ट्रांसफार्मर को जोड़ दिया है। और अभी ये मेरा स्विच 12-24 सिलेक्शन करने के लिए जो
स्विच है, DPDT स्विच है, 6 पोल वाला, ठीक है। इसमें एक साइड में मैंने 12 वोल्ट का जोड़ दिए और दूसरे साइड में 24 वोल्ट का लीड जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद इसको इस कैबिनेट के साथ फिटिंग कर दिए है। नीचे वाला जो है वो 24 का है, ऊपर वाला 12 वाला। और रोटरी का कनेक्शन तो देखे ही है, बस वैसे ही रोटरी का सीरियल बाई सीरियल कनेक्शन कर दिए रोटरी का, ठीक है। और ये रोटरी जो है 10 एम्पियर का रोटरी है, 1/8 10 एम्पियर का रोटरी है। मार्केट में डिमांड करेंगे तो आपको दे देगा, 1/8 10 एम्पियर बोलने से दे देगा अभी। और ये दो LED लगा दिए, एक रेड और ग्रीन, जिसमें से 2K2 रेजिस्टेंस जोड़ के जैसे ही 12 वोल्ट में सिलेक्शन करेंगे तो एक लाइट जलेगा, और 24 वोल्ट में सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा वाला लाइट जलेगा, एक बंद हो जाएगा। और ये मेरा मेन लाइन का है, दो तार है, तीन तार है। हम लोग डायरेक्ट इसमें पहले AC इनपुट देंगे 220 में। ये एल्युमिनियम का वायर है, ये सोल्डरिंग तो नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को एक एल्युमिनियम सोल्डरिंग पेस्ट बोल के आता है, फ्लैक्स आता है, 150-200 रुपया दाम लेता है उसका। वही पेस्ट से इसको सोल्डरिंग करेंगे। देखिए ये है इसका एल्युमिनियम सोल्डरिंग फ्लैक्स, 150-200 रुपया लेते हैं, मार्केट में बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस एल्युमिनियम सोल्डरिंग करने के लिए ये स्पेशली आता है। इस पेस्ट को फ्यूज होल्डर में जोड़ देंगे, सोल्डरिंग करने से आराम से सोल्डरिंग हो जाता है और वो लीकेज का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ड्राई सोल्डर का भी प्रॉब्लम नहीं आता है इससे। एल्युमिनियम पेस्ट बोलने से आपको दे देगा मार्केट, या फिर ऑनलाइन पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, अमेजोन से भी मिल जाता है एल्युमिनियम पेस्ट। और ये है रोटरी का कॉमन पोल, यहाँ से हम लोग एक वायर निकालेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो सर हम लोग खुद ही एक चार्जर रेडी करके बाजार में आराम से बिक्री कर पाएंगे। इस सीरीज का 3 वीडियो है, ये आखिरी वाला है। पहले इससे पहले 2 वीडियो है, उसमें से एक वीडियो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का फुल डेटा है, और दूसरा है उसी कॉइल को कैसे कोर से असेंबल करें, और अभी है इसका फिटिंग वाला पार्ट। 3 वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट प्रोडक्ट रेडी कर पाएंगे आप लोग। देखिए अभी है रोटरी का कॉमन वाला पॉइंट पे हम लोग एक वायर जोड़ रहे हैं। mm का वायर चाहिए इसमें, और ये पोल से जो निकला है वो चला जाएगा डायोड के AC वाला पॉइंट पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम देके देखिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा जो भी जितना भी वीडियो डालेंगे सब बिजनेस का रिगार्डिंग ही होगा। तो ये डायोड है, देखिए 20-25 XB 80 वोल्ट के डायोड आता है, और ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, बीच में जो है वो AC पॉइंट है। दोनों में से किसी एक पॉइंट से पॉइंट पे जोड़ने से ही होगा। और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो आएगा स्विच के बीच में से, जो DPDT स्विच था 6 पोल वाला 10 एम्पियर वाला, उसका बीच में से और एक कनेक्शन आके इस डायोड बोर्ड के AC वाला पॉइंट पे लग जाएगा। पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा सा। लोग कीमती बग देने के लिए बहुत शुक्रिया।
थोड़ा सा धैर्यपूर्वक देखिए, स्विच में से जो बीच में जो स्विच जो बीच का जो पोल है उसी पॉइंट से फिर कनेक्शन निकाल के मीटर के एक पॉइंट पे चला जाएगा। मीटर का दो पोल होता है। मैंने इसमें 30 एम्पियर का मीटर लगाया, मेरे पास 20 एम्पियर का नहीं था। आप लोग चाहे तो 30 एम्पियर का भी जोड़ सकते हैं, 30 एम्पियर पे भी एक ही काम करेगा। एक पोल पे वो वाला पॉइंट जोड़ दिए और दूसरा वाला पॉइंट पे आके ये डायोड बोर्ड पे लग जाएगा। सोल्डरिंग बहुत बढ़िया से कीजिएगा। तो 35 वाट का आयरन चाहिए चाहिए, इससे अच्छा होता सोल्डरिंग। देखिए दूसरा वाला जो पॉइंट है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसमें ये देखिए, ये डायोड बोर्ड का बीच में एसी जो दो पॉइंट है उसका एक पॉइंट में ये वाला कनेक्शन जुड़ जाएगा। मतलब एक कनेक्शन आया रोटरी के कॉमन वाला पोल से और एक दूसरा वाला आया स्विच के कॉमन वाला पोल से बीच में से। ठीक है, डायोड का ये वाला कनेक्शन हो गया, ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग इसमें एलईडी वाला में पकड़ेंगे। एलईडी में एलईडी का दो पोल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। हम नेगेटिव जो है दोनों एक साथ शॉर्ट करके दोनों को कॉमन कर दिए और दो पॉजिटिव जो सिरा है वो इसमें 2K2 रेजिस्टेंस वाटर वर्ड में दोनों पोल में लगा देंगे। मतलब 24 वोल्ट वाला एक पोल में जाएगा और एक 12 वोल्ट वाला पोल में जाएगा। ट्यूब जरूर डाल दीजिएगा ताकि शॉर्ट ना हो जाए एक के साथ एक। चला जा रहा है 24 वोल्ट वाला पिन में। इससे क्या होगा, अगर स्विच 12 वोल्ट में रखेंगे तो एक एलईडी जलेगा और जैसे 24 वोल्ट में रखेंगे तो वो वाला बंद होके दूसरा वाला जल जाएगा। देखिए थोड़ा सा जोड़ दिया इसको और अभी ये दूसरा वाला है, इसमें थोड़ा सा छोटा चाहिए। निपल कटर का यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया से कटिंग होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 200 भी इन्वर्टर का आएगा, वो उसका ट्रांसफार्मर डेटा भी दे देंगे और कंप्लीट फिटिंग कैसे होता है इसका भी वीडियो आएगा। अभी गर्मी का सीज़न आ गया है, इन्वर्टर का भी डिमांड है मार्केट में। आप लोग अपने लोकल एरिया में जाके मार्केटिंग कीजिएगा तो हो जाएगा काम इससे। और बीच में जो कॉमन रखे थे उसमें से एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके और DPTT स्विच का बीच वाला जो पॉइंट है उसमें वो कनेक्शन कर देंगे। बीच में जो है उसमें इसको जोड़ देंगे। तो ये LED कनेक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। कहीं पर अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ये पॉजिटिव सिरा है, दो पॉजिटिव बीच में नेगेटिव एक साथ करके
2K2 रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी इसका इसका जो फ्यूज होल्डर को एक पोल छोड़े थे, ट्रांसफार्मर का एक कनेक्शन जो फ्यूज होल्डर पे छोड़े थे, और दूसरा वाला जो पॉइंट है उसमें से इनपुट के लिए और एक तार उसमें जोड़ देंगे, और वही वाला तार आ जाएगा आपका मेन कॉर्ड के साथ, वो वाला तार जुड़ेगा, और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल जो है वो भी दूसरे के साथ जुड़ जाएगा मेन कॉर्ड से। ये जो पतला तार है ये 14-36 का गेज वाला तार है, और इसमें ये बैक प्लेट का भी कनेक्शन लगेगा। ये रहा मेरा बैक प्लेट, इसमें मैंने दोनों बैटरी टर्मिनल जोड़ दिए। 16 एम्पियर वाला ये टर्मिनल है बैटरी, नेगेटिव पॉजिटिव वाला। ये ऑटो कट का कैबिनेट है तो इसलिए पीछे वो सॉकेट रहता है, उसमें मैंने गत्ता लगा के उसमें इसका बंद कर दिए। और इसमें स्क्रू लगा के इसको एक साइड लगा दिया। अर्थिंग वाला जो है वो बॉडी के साथ जोड़ना पड़ेगा, स्क्रू के साथ उसको सोल्डर कर दीजिएगा। इतना हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा धैर्य से देख लेने से ही, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो खुद से घर पे आराम से कर पाएंगे। मार्केट में भी इसका हमेशा डिमांड रहता है, ये रनिंग आइटम है, ये चलता ही रहता है। इसका कॉस्ट भी कितना आता है वो तो हर एक वीडियो देख लेंगे तो हर एक का कितना कितना किलो, कौन सा आइटम कितना किलो करके लगता है वो सब दिया हुआ है, वो देखने से आपको इसका टोटल कॉस्टिंग कितना आता है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल वाला वायर है, इसमें हम लोग अभी सोल्डरिंग करेंगे, ये हीट सिंक ट्यूब से जोड़ देंगे। अब चाहे तो लग टेप से भी जोड़ सकते हैं, इसको छील के वो ये एल्युमिनियम पेस्ट प्लग्स जोड़ के इसमें जोड़ देंगे तो ये ड्राई सोल्डर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। बारह 24 10 एम्पियर का है, 0-12-5 एम्पियर का भी होता है, ये 0-12-10 एम्पियर का भी होता है। ये 12-24 है, दो बैटरी एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं, इससे सिंगल भी होगा डबल भी होगा। इसको सोल्डर कर दिया। आयरन को ज़्यादा हीट में रखना पड़ता है। ठीक है, अभी इसमें हीट सिंक को, हीट सिंक ट्यूब को इसमें थोड़ा सा वो आयरन से इसके ऊपर रखने से ये चिपक जाता है, फिक्स्ड हो जाता है ये इसमें। इस हिसाब से मेरा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अभी इसमें फेज वाला कनेक्शन जाएगा। हाँ, लीड से आया हुआ है, 6 एम्पियर 3 पिन का ये मेन लीड है, 20-25 रुपया दाम लेता है इसका। और इसमें भी वैसे ही ट्यूब लगा देंगे, लोग चाहे तो इसमें वो ब्लैक टेप भी जोड़ के लगा सकते हैं।
सोल्डरिंग कर दिए। इससे आप कार का बैटरी, इन्वर्टर का बैटरी, 10 एम्पियर में 100 एम्पियर का कोई भी बैटरी आप इससे आराम से चार्ज कर सकते हैं। 40-45 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर का कोई भी बैटरी चार्ज करवा सकते हैं इससे। ये मेरा इनपुट कनेक्शन हो गया कंप्लीट। अभी इसमें बैटरी वाला कनेक्शन होगा जो कि नेगेटिव कनेक्शन पहले जोड़ लेंगे इसका। 15 एम्पीयर का मैंने इसमें फ्यूज डाला हुआ है क्योंकि बैटरी अगर शॉर्ट हो, कहीं पर शॉर्ट हो तो फ्यूज कट जाए। ठीक है, नेगेटिव को नेगेटिव से डायरेक्ट टर्मिनल पे जोड़ देंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से। और इस हिसाब से और सभी वायर को लॉक टाई के साथ एक साथ जोड़ देंगे, एक दूसरे के साथ लॉक टाई से इसको वायरिंग कर लेंगे अच्छे से।
अभी इसको हम लोगों ने बैटरी के साथ जोड़ दिए है। देखिए मीटर पे 13.4 6 7 14 वोल्ट आ रहा है। एम्पियर 5 एम्पियर पे आ रहा है। 12 वोल्ट पे बैटरी का वोल्टेज है 14 वोल्ट। रोटरी को जैसे बढ़ा रहे हैं इसका एम्पियर भी ऊपर जा रहा है। जैसे घटा रहा है इसका एम्पियर भी नीचे डाउन हो रहा है। और अभी हम लोग इसमें स्टिकर भी कर लगा लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नया कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लेके।